हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। दिस इज़ योर मैथमेटिक्स क्लास फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट आवर एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 1.1 एंड डिस्कस अबाउट सम कॉन्सेप्ट। ओके, वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स सी योर क्वेश्चन। लेट्स सी योर क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1। ओके, सो रीड दिस केयरफुली। द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यू हैव टू अरेंज दिस क्वेश्चन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम हाइएस्ट टू लोएस्ट नंबर। ओके, डिसेंडिंग इज द अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो डिसेंडिंग मीन्स फ्रॉम हाइएस्ट टू लोएस्ट नंबर। हाइएस्ट मीन्स हाउ, देखिए बच्चों कैसे आप यहाँ पे शो करते हो, आप देखिए छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, हाइएस्ट टू लोएस्ट। तो कैसे होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से साइंस से आप डिनोट करते हो। ओके, तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, आप यहाँ देख सकते हो, ये है बच्चों 2/5, 5/-6, -3/7, 1/9 एंड -3/-5। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, दिस इज़ योर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए ये क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। ओके, तो देखिए क्या है यहाँ, 2/5, 5/-6 है। अब इस 5/-6 को आप -5/6 भी तो लिख सकते हो, कोई डिफरेंस तो है नहीं इसमें, है तो दोनों एक ही चीज़ है। ओके, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसी तरीके से -3/7 है, 1/9 है, और देखिए ये था -3/-5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा क्या आपको, 3/5। सो दिस इज़ योर 3/5। ओके, तो नेक्स्ट देखिए स्टेप क्या है बच्चों, हियर वी सी दैट। यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम प्लस प्लस साइन वाले को एक तरफ ले लेते हैं और माइनस माइनस साइन वाले को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे मैंने माइनस साइन को इधर लिया है, प्लस साइन को इधर लिया है, और मैंने इसको किस तरीके से अरेंज किया, क्योंकि हमें छोटे से बड़े की तरफ इसको शो करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करोगे, इस तरीके से आप इस साइन में इसको शो करोगे। ठीक है, मैंने इस तरफ जो रखा है वो सारे बड़े नंबर्स हैं, इस तरफ जो रखा है सारे छोटे नंबर्स हैं। अब आप ये कन्फ्यूज़ होगे कि मैंने कैसे समझा कि कौन से बड़े नंबर हैं, कौन से छोटे नंबर हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए जो माइनस में नंबर है वो कभी भी प्लस वाले नंबर से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो आप क्या देख सकते हो कि ये जितने भी नंबर हैं तीनों, ये तीनों नंबर इन दोनों नंबर से बड़े होंगे। ठीक है, अभी हम इसको नॉर्मली अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके नंबर्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हमने इसको अरेंज कर दिया है, मतलब हमने प्लस वाले को इधर ले लिया है, माइनस वाले को इधर ले लिया है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये अरेंज किया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों साइड हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है हमारा, मैं आपको बता देती हूँ। एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हो आप, इसमें आपके जितने भी नंबर्स हैं इनका क्या करोगे, देखिए एलसीएम का तरीका है, या तो आप इन्हें अलग अलग ले लीजिए, तो 5/5। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ, 3/3 is 9 एंड 3/1 is 3। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, देखिए इसको लेने का तरीका सबसे सही आपका ये है कि 5/5/9 इस तरीके से लिखिए, और इसका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इकट्ठे लिख लीजिए, यहाँ एक साथ कॉमा लगा के इसका एलसीएम ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लोएस्ट डिजिट से हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब कौन सी सबसे छोटी डिजिट से जिससे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से देखिए, 2 से तो होगा नहीं, 3 से लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, ये आपका आएगा 5/5/3। उसके बाद देखिए 3 में जाएगा 5/5/1। ठीक है, इसके बाद 5 से जाएगा 1/1/1, आप यहाँ पे देख सकते हो।
ठीक है, तो आपको फाइनली क्या मिला, देखिए 3 × 3 × 5। इसको करने के बाद जो ये नंबर्स होते हैं आप इनका जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो यही आपका एलसीएम कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा क्या था, 3 × 3 × 5, सो वो आपका एलसीएम था, तो क्या होगा, 3 × 3 = 9, 5 = 45, ये हो गया है आपका एलसीएम यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों क्या करोगे आप, 6 और 7 का, हमने इधर का तो ले लिया, 6 और 7 का लोगे तो क्या होगा आपका, आप यहाँ देख सकते हो, 2 × 3 = 6, 7, 3 × 1 = 3, ये 7 रहेगा, उसके बाद 7 × 1, 1 रहेगा। ठीक है, तो 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42, इधर एलसीएम आया 42। ठीक है, अब देखिए एलसीएम तो हमने ले लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 45 था, तो आप इसको देखिए 5 से 45 कितनी बार में जाएगा, 5 से 45 आपका जाएगा 9 times में। ठीक है, 5 × 9 = 45, तो बच्चों जो आपका नंबर 9 आ रहा है, मतलब 5 से हम 45 को क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कितने बार में जा रहा है। ठीक है, फिर वो जो नंबर मिलेगा आपको उसको आपको न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2 × 9 जैसे मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 9 से 45 कितने टाइम्स में जाएगा, 1 times में, 5 times में, तो क्या होगा, 1 × 5, जो ये नंबर है इसमें जितने बार में डिवाइड होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों क्या है आपका, ये है आपका 3 × 5, 9 = 45, 3 × 9, ओके। अब ये देखिए ये ग्रेटर देन था, इसी तरीके से आप इधर ये चीज़ करिए, 6 से कितनी बार में जाएगा, 6, 7 = 42 होता है, आप देख रहे हो, तो अब देखिए क्या होगा, ऊपर वाले में इस 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, विथ साइन, साइन जो है वो आपका वैसे ही लगेगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए 7 से 42 कितने टाइम्स में जाएगा, 6 times में जाएगा, 6 times में, तो हमने क्या किया, -3 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपका आ गया है। अब देखिए 9 × 2 = 18, 5 × 5 = 5, 9 × 3 = 27, ये लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 × 5 = 35, 3 × 6 = 18, ओके, ये देखिए इस तरीके से आ गई ये चीज़ें। अब इसके बाद देखिए क्या होगा बच्चों, आप क्या करोगे, इसको आप अलग अलग कर दो। ठीक है, 45 को सबके साथ अलग अलग लिख दो, क्योंकि ये कॉमा में है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, अब आप देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसी तरीके से इधर भी आप लिख दोगे, 45 है, 42 है यहाँ पे, तो −35/42, −18/42, ओके। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, नाउ वी कैन सी दैट, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए बच्चों आप देख रहे हो तीनों में डिनोमिनेटर आपका सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप अब ऊपर के नंबर देख के बता सकते हो ना कि आपका ये किस ऑर्डर में, मतलब कौन बड़ा होगा, कौन उससे छोटा है, कौन सबसे छोटा है, इस तरीके से, है ना। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 27 दिख रहा है, तो देखिए 27/45, इससे छोटा क्या है, 18/45, ये देखिए, इसके बाद देखिए 5/45, ये है आपका। इसके बाद देखिए आप क्या करोगे बच्चों, अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 35 है ये बड़ा है कि 18 है ये बड़ा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, माइनस में अगर कोई नंबर दिया हुआ है और माइनस में वो नंबर जितना छोटा होगा वो नंबर सब उतना बड़ा माना जाएगा। मतलब जैसे लिखा है -2 और एक लिखा है -35, ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो नंबर माइनस में सबसे छोटा होगा वो सबसे लार्जेस्ट माना जाएगा, और जो नंबर नेगेटिव में सबसे बड़ा होगा उसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर माना जाता है। ठीक है, ये आपका रूल होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या था बच्चों, आप देख सकते हो इस स्टेप को ध्यान से देखिए यार, −18/42 है और −35/42 है, डिनोमिनेटर सेम है, आप देख रहे हो यहाँ पे 42, 42, तो आप क्या देख सकते हो कि −35 18 से बड़ा है 35। ठीक है, ये तो हम नॉर्मली जानते हैं, लेकिन साइन माइनस आ गया है तो क्या होगा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा माना जाएगा, मतलब −35/42 ये सबसे छोटा होगा और 18/42 ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। सो ये है आपका, देखिए लास्ट में बच्चों आप इसको कैसे अरेंज करोगे, अब आप यहाँ देखिए कि 27/45 किसके लिए आपने लिया था, आप यहाँ देख सकते हो हमने लिया था 3/5 के लिए। ठीक है,
और आप ये देखिए इस तरीके से, यहाँ देखिए 3/5 के लिए। इसके बाद देखिए हमने ये किसके लिए लिया था, 18/45 हमने लिया था 2/5 के लिए। उसके बाद हमने क्या लिया था, 5/45, ये था हमारा 1/9 के लिए। और -18/42 था -3/7 के लिए। -35/42 था -5/6 के लिए। ठीक है, आपको अरेंज इस तरीके से करना है जो आपका मेन क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे पूरा आंसर आपका लिखा हुआ है, दिस इज़ योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो आप ज़रूर करिएगा। इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका होमवर्क है, इसको आप ज़रूर अपने कॉपी में करिएगा, सॉल्व करिएगा। सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला कराया है। ओके, सो आज की वीडियो बच्चों यहीं तक रखते हैं। आगे के लेक्चर हमने आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।